हमने बात करी थी परमात्मा के बारे में, आत्माओं के बारे में, अलग अलग रूपों के बारे में। अब इन सब चीजों को समझना किसी के बस की बात है, एक ही जटिल प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं। अलग अलग वेद, पुराण, बाइबल, गीता, इनके अलग अलग रचयिता, इनको लिखने वाले अलग अलग महापुरुष, इनके अलग अलग धारणाएं। तो सीधे तर्क पे आते हैं कि तर्क यही निकलता है कि सभी ग्रंथों की, सभी महाग्रंथों की रचना समय के अनुकूलता के अनुसार की गई है, जो कि मनुष्य को जीना सिखाता है, सदाचरण करना सिखाता है, धर्म के मार्ग को चलना सिखाता है, उसको नैतिक शिक्षा प्रदान करता है, यानी कि मनुष्य को अपने जीवन को यापन करने के लिए, उसमें सर्व गुणों को भरने के लिए ये सभी ग्रंथ लिखे जाए। फिर ये सोचते हैं कि आचरण मनुष्य को कैसा होना चाहिए, कौन सा आचरण करने से अगले सुनने वाले को खुशी मिलती है, बोलने वाले को खुशी मिलती है। तो ये चीजें इसी तरह से कहानी किस्तों के माध्यम से ग्रंथों के अंदर कही गई है कि तुम ऐसा बोलोगे कि तुम्हें पाप लगेगा, तुम ऐसा बोलोगे कि तुमने ये काम करा तो तुम्हें पाप मिलेगा, तुमने ये काम करा तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुमने ये काम करा तो तुम स्वर्ग में जाओगे, तुमने ये काम करा तो तुम नरक में जाओगे। हर बात के दो पहलू, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, दुख सुख, दिन रात, सभी चीजें जुड़ना चाहिए। सीधा सा यही निष्कर्ष निकलता है कि हर चीज मनुष्य को जीने का एक नया अंदाज प्रदान करती है। आइए कहानी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, मनुष्य का आचरण मन से, कर्म से, वचन से शुद्ध होना चाहिए। भक्ति करने से, 24 घंटे राम 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 करने से कुछ नहीं होता, राम नाम के साथ में मन की शुद्धता भी होती है, मन के अंदर शुद्ध भाव का आदान प्रदान होता है, शुद्ध विचार का आदान प्रदान। अगर हम ये कहें कि हमारा आचरण अच्छा नहीं है और हम उसे राम राम कर रहे हैं तो स्वर्ग में जाएंगे, कदाचित हम स्वर्ग में चले जाएंगे। एक साधु महाराज थे, पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करते थे, 24 घंटे राम 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 की माला जपते रहते। उनके जैसा ज्ञानी महापुरुष कोई नहीं था, पर उनका एक जो आचरण था कि वो दूसरे की गलतियों को हमेशा गिना करते थे और अपने अंदर अहम प्रकट करते थे, अपने अंदर घमंड प्रकट करते थे कि मेरा जैसा ब्रह्मचारी कोई नहीं। जहां साधु महाराज बैठ के तपस्या कर रहे थे, उस पेड़ के सामने, उस जगह के सामने एक वेश्या था। साधु महाराज भक्ति में लीन होते हुए भी उनका ध्यान उस वेश्या की तरफ, वेश्या के घर पे कितने आदमी आए और कितने गए, साधु महाराज दिन भर उनकी एक व्यक्ति ने प्रवेश किया वेश्या के कक्ष में, तो उन्होंने एक पत्थर उठा के पेड़ के नीचे डाला। दूसरे व्यक्ति ने प्रवेश किया तो महाराज ने दूसरा पत्थर पेड़ के नीचे डाला। इस तरह से साधु महाराज सन्यासी होते हुए भी उनकी नजर उस वेश्या के पापों के लिए मिल गई। समय की अनुकूलता के अनुसार वेश्या और महाराज की मृत्यु, धर्म राज्य उनको लेना है। हम लोग ले जाते समय महाराज को सीखते हुए हम लोग ले जाते थे और
धर्मराज जी अपने सम्मान कक्ष में अब बेटा के ले जा रहे थे। महाराज को बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने पूरी जिंदगी तपस्या में लगा दी, भगवान के नाम में लगा दी और इस वेश्या ने पूरी जिंदगी पाप कर्म में लगा दी, फिर भी इसको महाराज के साथ साथ जो है उच्च स्थान का अधिकारी बना दिया गया और महाराज को घसीटते हुए ले जाके रस्सी से बांध के ले जाने का अधिकारी बना दिया। महाराज को ये बात अजमी हुई, महाराज ने धर्मराज से पूछ लिया कि महाराज आप नतीजे बताइए, वैसे जिंदगी में पाप करते रहते फिर भी आप इसको अपने बराबर में स्थान दे रहे और मैंने अपना पूरा जीवन प्रभु भक्ति में लीन होते हुए खुद को ब्रह्मचारी रख कर यापन करते हुए आपकी भक्ति की, फिर भी मुझे एक कठोर दंड क्यों दिया जाए। भगवान थोड़े से मुस्कुराए और कहा कि देखो भक्ति मन से होती है, आचरण शुद्ध आचरण मन से होता है। वेश्या अपने शारीरिक रूप से वेश्या थी, उसके बावजूद भी उसका मन जो है हरि दर्शन में लगा हुआ रहता था, हरि कीर्तन में लगा हुआ रहता था। वो मन से बुराई में लीन नहीं थी, मन से शुद्ध थी, इसीलिए उसको स्वर्ग में स्थान दिया। और तुम एक सन्यासी होते हुए, एक साधु होते हुए, एक ब्रह्मचारी होते हुए भी वेश्या के घर में जाने वाले व्यक्तियों को मिलते रहे और एक एक पत्थर उठा के पेड़ के नीचे डालते रहे, वो जो पत्थरों का ढेर देख रहे हो वो वेश्या के उतरे हुए पापों का ढेर है जो तुम्हारे ऊपर। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इंसान का आचरण नैतिक होना चाहिए, उसके कर्म नैतिक होना चाहिए। अच्छा आचरण करने के साथ साथ सद्भावना उनके व्यवहार में आनी चाहिए, तभी कोई भी भक्ति तुम्हारी पूर्ण होगी, अन्यथा नहीं। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद भी बनाई, मोला ऊपर चढ़ के बांध दे क्या बेरा होए खुदा। कंकर पत्थर जोड़ के मंदिर और मस्जिद को बना दिया और ऊपर उठ उठ के हम भगवान को पुकार रहे हैं तो क्या भगवान हमारा बेरा है, क्या वो हमारे मन की आवाज नहीं सुन पाता है? भगवान के मन की आवाज सुनता है, उनको पुकारने के लिए उसकी उसकी आवाज में चिल्ला देगी। तो ये थी आज की कहानी और कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में।